सर, एक बच्ची की लाश है। इस बोरी में भी एक बच्ची की लाश है। नहीं पहचानते साहब, ये हमारे पालकीपुर के तो नहीं लगते, इन्हें कभी देखा ही नहीं साहब। आप लोगों में से फ़ोन किसने किया? मैंने किया था साहब, मैं वो सुबह के काम के लिए खेत पे जा रहा था तो मैंने ये दो बोरियां देखी साहब। मैं गौतम सिंह गांव का सरपंच हूँ साहब। हमारे पालकीपुर की अगर ये बच्चियाँ होती तो लाश मिलने के पहले ही गाँव में बवाल हो गया होता कि घर से बच्चियाँ गायब हुई। सरपंच जी ज़रूरी नहीं, हो सकता है इन बच्चियों को इनके घर वालों ने गायब किया। सर, आप लोगों का कहना है कि ये बच्चियाँ आपके गांव की नहीं है? नहीं सर, ये हमारे की नहीं है। बोरियों पे किसी भी कंपनी का कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है और न ही बच्चियों की बॉडी या कपड़ों पर। बोरियाँ सेम हैं, कोई निशान नहीं है बोरियों पर और दोनों बच्चियाँ भी एक सी लगती हैं, एक ही तबके की भी लगती हैं। हो सकता है दोनों में कोई खून का कनेक्शन, ये एक ही खून की। खून करने का तरीका भी आइडेंटिकल है। पूरे आसार हैं दोनों मर्डर्स में एक ही हथियार यूज़ हुआ है। दोनों की उम्र 10 साल से कम होगी। इस बच्ची की उम्र 9 से 11 साल के बीच की होगी, उस छोटी की 6 से 8 साल के बीच। दोनों मर्डर्स 10 से 12 घंटे पहले हुए हैं। 10 से 12 घंटे पहले मतलब 11 जुलाई की रात को 11 से 12 के बीच में? जी हाँ, डिनर के तुरंत बाद मर्डर्स हुए। दोनों के पेट में अनडाइजेस्टेड फूड था। सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं। डॉक्टर, दोनों बहनें हो सकती हैं? पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं। दोनों के फेशियल फीचर्स मैच करते हैं, पर यह मैं तब तक दावे के साथ नहीं कह सकता जब तक दोनों के मैचिंग टेस्ट न कर लूँ। पर दोनों को एक ही तरीके से और शायद एक ही हथियार से मारा गया है। आपको दोनों की बॉडीज़ भी पालकीपुर से मिली, मतलब दोनों मर्डर्स कनेक्टेड लग रहे हैं। इंस्पेक्टर, लेकिन पालकीपुर इतना बड़ा नहीं है पर इतना छोटा भी नहीं। हो सकता है क्राइम सीन पर जो गाँव वाले मौजूद थे वो उन बच्चों को ना पहचानते हो, पर शायद कुछ और गांव वाले उन्हें पहचान लें। दोनों बच्चों की फोटोग्राफ्स पूरे गांव में घुमा लेते हैं और आसपास के गांव में भी। हो सकता है वहां से इन दोनों बच्चों को किसी ने मार के यहाँ पालकीपुर में ठिकाने लगा दिया। इन बच्चों को ध्यान से देखो, कभी तुम्हारे यहाँ चूरन उरन या चॉकलेट लेने आई है ये? नहीं। सारे थानों को सूचित किया जाता है कि पालकीपुर के पुल के पास आज 12 जुलाई 2017 को सुबह 7:30 बजे मिली है दो बच्चियों का कत्ल कल रात के 11 और 12 के बीच में हुआ है। इसलिए जिले के सभी थानों को मिसिंग कंप्लेंट्स के ऊपर ध्यान रखने की दरख्वास्त की है। नहीं साहब, इन बच्चियों को अपने पालकीपुर में तो कभी नहीं देखा। आप में से किसी ने इन बच्चों को देखा है कहीं पे? कौन है ये, क्या हुआ इन्हें? ये बच्चियां वही है ना जो पुल के पास? जी, सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये बच्चियां पालकीपुर की नहीं है। अब तो चंदनपुर और रतनपुर के लोगों ने भी जवाब दे दिया है। अगर ये बच्चियां यहाँ की होती तो तुरंत पहचानी जाती। अब हमें भी यही लगता है, ये बच्चियां पालकीपुर की नहीं है। बाहर से कोई आकर छोड़ गया इन दो लाशों को यहाँ पे। अंदर भिखारियों की टोलियाँ और इलाके के सारे कोठे, जितने भी तेरे कॉन्टैक्ट है, दल्ले वगैरह, हर कोई, सबको कॉन्टैक्ट कर। साहब, जब गाँव में बच्चियों को पता नहीं चला तो तुरंत मेरे दिमाग की घंटी बजी कि कहीं ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं गड़बड़ा गया। सुलटा दिया होगा लड़कियों को साहब। मैंने तुरंत अपनी सारी टीम को लगा दिया है, दल्लों में भी और भिखारियों में भी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में और बगल वाले ज़िले में भी। चंदर, मुझे रिजल्ट चाहिए चंदर, और वो भी बहुत जल्द। पूरे 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद भी दोनों बच्चों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई थी। इतने काम करो, इन फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो फुल डिटेल के साथ। हो सकता है किसी न किसी कोने से कोई इन्हें आइडेंटिफाई कर ले। ये संभावना मजबूत होती जा रही थी कि आइडेंटिफिकेशन से बचने के इरादे से इन लाशों को कहीं बाहर से लाकर इस गाँव में छोड़ दिया गया होगा। ये दो लाशें इत्तफाक से साथ पाई गई थी। इन दोनों बच्चियों में कोई कनेक्शन था ये अभी पता नहीं था। और दूसरे ही दिन पालकीपुर फिर कांप उठा। यह हमारे पालकीपुर की रुक्मिणी है, तालाब से कपड़े धोकर लौट रही थी, इसी ने देखी ये लाश यहाँ पर पड़ी हुई। आप रोज इसी रास्ते से जाती हैं? जी साहब। कल भी इसी रास्ते से गई थी? हाँ साहब, लेकिन कल तो हमें कुछ भी नहीं दिखा, या तो शायद हमें नजर ही नहीं पड़ी। सरपंच जी, ये औरत आपके गाँव की है? नहीं साहब, हमारे गाँव की नहीं है। सर, लाश के पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसे पहचाना जा सके। सरपंच जी, कल दो बच्चियां, आज ये औरत, सारी लाशें आपके गांव में क्यों बिछाई जा रही? कल की खबर से वैसे भी गांव के सब लोग बुरी तरह से हिले हुए हैं। अब जैसे ही ये बात फैलेगी सब लोग दहशत में आ जाएंगे। साहब, ये घाव देखिए, बिल्कुल कल वाली उन दोनों बच्चियों के घाव के जैसा, लगता है सेम वेपन यूज हुआ है। क्या इस औरत का मर्डर तब हुआ होगा जब हम उन दोनों बच्चियों के बारे में पूछताछ कर रहे थे? जी नहीं, इस औरत का मर्डर भी उसी समय हुआ जब उन दोनों बच्चियों को मारा गया था, मतलब तकरीबन अब से 38 घंटे पहले, 11 जुलाई की रात को 11 से 12 बजे के बीच में, और वो भी डिनर के बिल्कुल बाद। उन दोनों बच्चियों के जैसे इस औरत के पेट से भी हमें अनडाइजेस्टेड फूड मिला है। माँ बेटी? मोस्ट प्रोबेबली, पर कंफर्मेशन के लिए हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। एज? 28 से 32 के बीच में, एक से ज़्यादा बार माँ बन चुकी है, सेक्शुअली एक्टिव थी, पर कोई सेक्शुअल असॉल्ट नहीं हुआ। गांव वाले एक आवाज में ये कह रहे हैं कि तीनों विक्टिम्स उनके गांव के नहीं हैं, तो शायद नहीं होंगे। नितिन, आसपास के जितने भी लॉज और होटल्स हैं सब जगह चेक करो, अगर बाहर से आए होंगे तो कहीं तो ठहरे होंगे। मैं टीम डिस्पैच करता हूँ सर। दोनों बच्चियों की लाशें हमें बोरियों में मिली और औरत की झाड़ियों में। मुझे नहीं लगता इन तीनों को मारने के बाद यहाँ लाया गया, शायद तीनों को पहले पालकीपुर लाया गया और उसके बाद मारकर फेंक दिया गया। सर, पूरे पालकीपुर की कोम्बिंग की जा रही है, ये जानने के लिए कहीं और लाशें तो नहीं? नितिन, ऑन द डबल, ये सिर्फ भयानक नहीं बेहद संगीन है। फिलहाल हम नहीं जानते कि इन तीनों लाशों का आपस में क्या कनेक्शन है, पर हमें इलाके के लोगों में कोई दहशत नहीं फैलानी। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि कोई सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है। वो फिर से कब हमला करेगा, किस पर करेगा, कोई नहीं जानता। कैसे जाएंगे भाई? कोई चुप कर ना, तू बात हो रही है ना हमारे साथ, किसी के हम। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसे हड़बड़ा के कुछ नहीं होगा, पुलिस अपना काम कर रही है। पर हड़बड़ाहट कैसे नहीं होगी सरपंच जी? हमारे पालकीपुर में पहले ऐसे कभी हुआ है क्या? ऐसे अज्ञात लाशें मिलना, बच्चों की, औरत की, अरे कौन है जो हमारे गाँव का इस्तेमाल कर रहा है भाई? सरपंच जी, बच्चों को भी स्कूल भेजने से डर रहे हैं सब। अरे हम तो कहते हैं सरपंच जी, आज रात से ही पूरे गाँव में पहरा देना शुरू कर देते हैं, और हो सके तो पड़ोस के गांव को भी शामिल करते हैं। सुनील सही कह रहा है सरपंच जी, हमको ये करना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ इस गांव में। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारे गांव ये पहरा देने के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले जरूरी है पुलिस की मदद करना। अगर किसी ने किसी के घर में या कहीं गाँव में कोई अटपटा चीज देखा तो बिना संकोच, बिना डर के हमें या पुलिस थाने में जाके खबर करें। समझ गए आप लोग? 2 दिन में 3 लाशें मिली थी गाँव में, पर किसी को भनक तक नहीं थी कि वो लाशें किसकी थी। पालकीपुर गांव के लोग एक खौफ के साए में जी रहे थे। तीनों विक्टिम्स में से किसी एक की भी मिसिंग कंप्लेंट हमारे हाथ नहीं लग रही थी। सर, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि तीनों विक्टिम्स इस जिले के बाहर से हैं। यूपी के तकरीबन हर अखबार में इनकी तस्वीरें दी गई हैं। नितिन, एक बात खटक रही है, 2 बच्चियाँ, एक औरत इलाके में दाखिल हुए होंगे, कहीं रहे होंगे, फिर इनकी हत्या हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिले के सारे अखबारों में इनकी तस्वीरें दी गई पर इन्हें किसी ने नहीं पहचाना? सर, लॉजेस से भी कुछ नहीं मिला, पूरे गांव की हाउस टू हाउस सर्च की जा रही है। सीधी बात है, लोग बोल नहीं रहे या फिर लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मरे हुए 3 लोगों को तो लोगों ने देखा, पर जब वो जिंदा थे उन्हें किसी ने नहीं देखा। केस बिना चाबी के ताले की तरह होगा, ऐसा नहीं चलेगा। पुलिस वाले साहब लोग हम लोगों पर बहुत उम्मीद रखते हैं, और अब तो अखबारों में भी डलवा दिया फोटो शोटो। कुछ भी करके बस लग जाओ। राकेश कौन है? फोन किसने किया था? मैंने ही फोन किया था, अटेंडेंट उस शौचालय का, वो वहाँ है साहब। सूटकेस रखकर जाने वाले को देखा तुमने? नहीं साहब। देखा नहीं। सर, बच्चियों के नाम और क्लासेस एक बार फिर से बताएंगे? जिया चौहान 4th स्टैंडर्ड और आरती चौहान 2nd स्टैंडर्ड। सर, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं क्लास टीचर से कंफर्म करके बताती हूँ। सर, उस औरत की आइडेंटिफिकेशन हो सके ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली सूटकेस में। सर, ये दोनों बच्चियाँ जिया चौहान और आरती चौहान दोनों बहनें हो सकती हैं, और वो और शायद इनकी माँ। सर। यस मैम। जिया चौहान और आरती चौहान दोनों सगी बहनें, 10 जुलाई से एबसेंट भी है। मैम, मैं आपको एक औरत की तस्वीर भेज रहा हूँ। इस औरत की बॉडी भी हमें यहीं मिली है, पालकीपुर में, और हमें लगता है कि शायद ये इन दोनों बच्चियों की माँ हो सकती है। मैं कमिंग मैडम। मैडम, मैंने वैभवी टीचर से कंफर्म किया है, ये आरती और जिया की मम्मी राधिका चौहान ही है। हे भगवान, तीनों का मर्डर हो गया। अब तीनों लावारिस लाशों की पहचान हो चुकी थी। सूरत, गुजरात की रहने वाली राधिका चौहान और उसकी 2 बेटियां जिया और आरती चौहान का कत्ल हुआ था। ये रहे सारे डिटेल्स। जिया और आरती चौहान का एड्रेस भी है इसमें। सर, ये उनकी मम्मी राधिका चौहान का मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड में था। मैम, जिया और आरती इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या वजह हो सकती है? सर, जनरली अगर बच्चे बीमार है तो वो 2-3 दिन की लीव लेते हैं, विच इज़ नॉर्मल। पर हाँ, अगर चौथे दिन भी बच्चे नहीं आते तो हम उनके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। वैभवी बेन आरती की क्लास टीचर हैं, उन्होंने राधिका बेन को फ़ोन किया था, बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। B12 वृंदावन अपार्टमेंट, चामुंडा सर्कल। फादर्स नेम अरविंद चौहान। फादर का फ़ोन नंबर नहीं है। सर, ये पेरेंट्स के ऊपर है, हम दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का नंबर मांगते हैं, कंपलसरी है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए। सुरेश। जी सर। ये राधिका चौहान का नंबर 44476898। अपनी ब्रांच से फ़ोन करके इस नंबर के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाओ। राधिका और उसकी बच्चियां आरती और जिया, ये लोग सूरत से पालकीपुर आए होंगे या फिर पालकीपुर के आसपास ही कहीं। सर, ज़रूर किसी जानने वाले के पास रुके होंगे, क्योंकि इलाके के सारे होटल, सारे लॉजेस को बारीकी से स्कैन किया गया। आरती, राधिका और जिया तीनों की इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिली। आरती और जिया दोनों ही 10 जुलाई से स्कूल नहीं गए और आज 17 जुलाई है, लेकिन उनके पिता अरविंद चौहान ने कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। सर, हो सकता है अरविंद चौहान भी मिसिंग हो। एक बरस से मैं और मेरे हस्बैंड संजय यहीं पे रहते हैं भाड़े पर। आपसे पहले अरविंद और राधिका चौहान यहाँ रहते थे? ये राधिका बेन और उनकी बेटियों का तो कभी मैंने नाम भी नहीं सुना। आप जरा सोसाइटी के ऑफिस में जाके पूछो ने। ये राधिका बेन, उनकी ये 2 बच्चियाँ आरती और जिया, और उनके पति अरविंद भाई 1 साल पहले तक इसी सोसाइटी में रहते थे सब। फिर राधिका बेन जिया और आरती को लेकर घर छोड़ के चली गई, और कुछ महीने बाद अरविंद भाई भी चले गए। राधिका और अरविंद के बीच झगड़ा किस बात को लेकर था? दूसरे आदमी को लेकर। ये दूसरा आदमी कौन था? उनका पड़ोसी। ये लोग B12 में रहते थे और वो रहता था B14 में। बंसी लालचंद नाम था उसका। अब आपको बंसी के बारे में ज़्यादा माहिती चाहिए ना, तो वो तो अपने चेयरमैन साहब नरेंद्र भाई ही बता सकते हैं। बाजू में आर्यन एंटरप्राइज में काम करता था अरविंद चौहान। 7-8 साल पहले अपनी फैमिली के साथ में हमारी बिल्डिंग में रहने के लिए आया था। 2 साल पहले उसी ने बंसी लालचंद को यहाँ पे B14 में उसके बाजू में फ्लैट दिलाया था। बंसी भी आर्यन एंटरप्राइज में काम करता था ना, दोनों दोस्त थे। ये बंसी और अरविंद, इन दोनों में से किसी का यूपी से कोई ताल्लुक है? यूपी पालकीपुर या यूपी के किसी भी गांव से? गांव का तो पता नहीं साहब, लेकिन दोनों गुजराती तो नहीं थे, यूपी साइड के थे। और इस बंसी की कोई फैमिली नहीं थी? वैसे अरविंद की फैमिली बंसी की फैमिली हो गई थी, ऐसा लोग कहते हैं। आपका क्या कहना है? बंसी हमेशा अरविंद के घर में ही पाया जाता था। अरविंद की जब डे शिफ्ट होती थी और बंसी की नाइट शिफ्ट, तो सोसाइटी वालों ने बहुत बार दोपहर को बंसी को अरविंद के घर पर जाते हुए देखा है। फिर आगे क्या हुआ वो ठीक से मालूम नहीं, लेकिन पड़ोसियों ने गर्मा गर्मी सुनी थी। बाद में पता चला कि राधिका बहन उस बंसी के साथ में अपनी बेटियों को लेकर के चली गई। अरविंद चौहान कहाँ मिलेगा? वो इलाहाबाद साइड कहीं चला गया। जाने से पहले मिला था ना मुझे एक बार। अरविंद भाई, किस पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते, बात तो करनी चाहिए थी ना। ऐसे कैसे बिना बोले जाने दिया राधिका भाभी को? नरेंद्र भाई, ये पति पत्नी, ये सारे रिश्ते यहाँ दिमाग में होते हैं। देखा, मुझे पति नहीं मानती। ऐसे कैसे नहीं मानती? दो बेटियां तुम्हारी, ये बावजूद नरेंद्र भाई राधिका मुझे छोड़कर चली। बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ नरेंद्र भाई। उस पंछी को, मेरे यूपी वाले जात भाई को मैंने रहने के लिए घर दिलवाया, उसने मेरे घर में आग लगा दी। बंसी हर दूसरे दिन छुट्टी लेता है या फिर नाइट शिफ्ट करता है। मुझे पता है कि राधिका, कुछ बोलोगी तुम? हाँ, है संबंध बंसी और मेरे बीच। शारीरिक संबंध है? बंसी जिया और आरती को अपने बच्चों जैसा देखता है। वो उनके साथ खेलता है, उन्हें पढ़ाता है, और तुम रोज सुबह निकलते हो और सीधा रात को ही लौटते हो। सुबह से रात तक मैं क्या करता हूं मैं? किस के पैसे कमाता हूं ना? किसके लिए? जिया और आरती के लिए, तुम्हारे लिए, क्योंकि बाप उनका और पति भी तुम्हारा। अरविंद, मंगलसूत्र बांध लेने से कोई पति या बच्चा पैदा करने से कोई बाप नहीं बनता है, ना ही महीने के आखिर में 4 पैसे थमाने से। शारीरिक संबंध है तेरे उसके साथ? हाँ। सोती है? क्योंकि तुम 10 साल से जागे ही नहीं अरविंद। बंसी, जरा बाहर आना। क्या बात है? बाहर तो आ। गांव में तेरी बीवी है ना बंसी? तुमको तो पता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? उसको यहाँ पर लेके आना, फिर कर जितने बच्चे पैदा करने। किसी ने रोका है तुझे? साले, भाई जैसा माना था मैंने तुझे, और तूने मेरी पीठ पे छुरा पोक दिया। मेरी बेटी जिया और आरती को बाप का प्यार देने के बहाने मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है तू। साले, शर्म नाम की चीज है नहीं तेरे अंदर। देख बंसी, जो तूने किया है ना, उसके बदले मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूं। लेकिन मैं तेरे से विनती करता हूं यार, मेरे घर के टुकड़े मत कर। अलाहाबाद से खाली हाथ आए थे मैं और राधिका यहां पर। बड़ी मेहनत से सब कुछ बनाया है, ये घर बार, ये जिंदगी। इतने भद्दे तरीके से उसे खत्म मत कर। नहीं माना बंसी, और क्यों मानता? सिक्का तो हमारा ही खोटा है ना। और वो राधिका इतनी ढीठ मेरे मुंह पे मुझे बोल के गई कि शादी तोड़नी है। नरेंद्र भाई, मैं राधिका के सामने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े मैंने, आरती और जिया का वास्ता भी दिया, उसके पैरों में गिर गया मैं नरेंद्र भाई। चली गई राधिका छोड़ के, मेरी दोनों बेटियों को भी ले गई। उसके थोड़े दिनों बाद अरविंद भी यहाँ से चला गया। बहुत दुखी लगता था। यहाँ से जाने के बाद बंसी राधिका और बच्चियों के साथ कहाँ रहता था? वो तो भगवान जाने साहब। हाँ पांडे, बोलो साहब। ये बंसी लालचंद अपने पालकीपुर का ही है। उसका भाई अमित लालचंद भी यहीं रहता है, और बंसी की पत्नी भी, काजल नाम है। बिठवा दोनों को और पता करो कि बंसी है कहाँ। चंदर, पता तो सही ना लालचंद परिवार। पांडे साहब, अपनी आंखों से खुद देख कर आए। सर, अमित और काजल को उठवा रहा हूँ। चलो, पालकीपुर का कनेक्शन तो क्लियर हुआ। इस अरविंद चौहान को उठवाते हैं। बंसी और अरविंद दोनों में से किसी एक का गुस्सा जरूर फूटा है। यह है अरविंद चौहान का नंबर, 44412445। ये क्या बोल रहे हो साहब आप? हमारे बंसी का किसी शादीशुदा औरत के साथ चक्कर? हमें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है साहब। देवर जी तो यहाँ आए ही नहीं है 4 महीने से। अब बंसी का फोन नंबर दे दो और बंसी की बीवी काजल को बाहर बुलाओ। काजल अपने मायके गई है, कल सुबह ही निकल गई। भाभी, बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ। पर काजल ऐसे अचानक सब खैरियत तो है ना रतनपुर में? हाँ भाभी, सब खैरियत है। बस माँ बाबू जी की याद आ रही थी, सोचे कि मिलकर आ जाते हैं। तो ठीक है, हम रतनपुर से बंसी की बीवी काजल को बुला लेंगे। आप काजल का पता दे दीजिए वहाँ का। मेरा भाई बंसी ठीक तो है ना? या आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप इन्हें बोला था ना कि उसका फ़ोन नंबर बंद है। आप चलिए मेरे साथ। साथ चलिए मतलब क्यों? आप बंसी के बड़े भाई हैं, आपको फिक्र तो होनी चाहिए उसकी। बंसी ने किया क्या है साहब? अब बंसी ने किया क्या है या बंसी के साथ किसी ने कुछ कर दिया है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अरविंद चौहान जी, आपको हमारे साथ पालकीपुर चलना होगा। पालकीपुर? क्यों? आपकी पत्नी राधिका और आपकी दोनों बेटियां जिया और आरती, तीनों की लाश मिली है। राधिका चौहान का फोन 11 जुलाई से ही बंद दिखा रहा है सर। राधिका की लास्ट लोकेशन आप ही की है सर, पालकीपुर। ये राधिका की जिस नंबर पर लास्ट बार बात हुई 444879 872, ये किसका है? बंसी लालचंद का है। बंसी का भी फोन 11 जुलाई से बंद है और राधिका की तरह उसकी भी लास्ट लोकेशन आप ही की है, पालकीपुर। गड़ियाँ मिल तो रही हैं पर कहाँ जुड़ी कहाँ टूटी ये पता लगाना बाकी है सर। राधिका और बंसी अगर 11 जुलाई को पालकीपुर में थे तो जाहिर है दोनों बच्चियाँ जिया और आरती भी वहीं होंगी। पालकीपुर में हमें राधिका और उसकी बच्चियों की लाशें मिली। अब सवाल ये है, क्या ये लाशें बंसी ने बिछाई या अब हमें बंसी की लाश मिलने वाली? कुछ दिन पहले तक तो यही रहती थी राधिका, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। आरती और जिया ने लेने बंसी भी यहीं रहता था। हंस तो अभी हस्बैंड वाइफ है तो साथ में ही रहेंगे ना। लो साहब, आप खुद ही देख लो, बंसी कुछ बोला नहीं, कहाँ जा रहा है, कब तक लौटेगा, कहीं नहीं। काजल यहाँ आने वाली थी, उसके बारे में तो उसने हमें बताया भी नहीं। आपकी बेटी काजल पालकीपुर में अपने जेठानी से यह बताकर निकली थी कि आप लोग से मिला रतनपुर आ रही है, और आप कह रहे हो कि यहाँ पहुंची ही नहीं। आपके बेटी के पति बंसी को ढूंढ रहे हैं और आप ही बता दो कहाँ छिपे दोनों। यहाँ तो नहीं है साहब, आप चाहे तो खुद तलाशी ले लीजिए, पर आप हमारे दामाद बंसी को क्यों ढूंढ रहे हैं? किया क्या उसने? सर, राधिका और बंसी पिछले 1 साल से जिस मकान में रह रहे थे वो पूरी तरह खाली है, सिवाय कुछ कपड़ों के। शायद वापस आने का प्लान नहीं था। वो तो पता नहीं सर, मकान मालिक भी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया। बंसी और राधिका के मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ है। किसी को भी ये नहीं पता कि बंसी और राधिका और दोनों बच्चियाँ आरती और जिया पालकीपुर जा रहे थे। शायद बंसी की पत्नी काजल को ये बात मालूम है, पर वो भी अब गायब है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलाहाबाद में बैठा राधिका का पति अरविंद चौहान ये बात जान गया था कि बंसी उसकी बीवी और दोनों बच्चियाँ जिया और आरती को लेकर पालकीपुर पहुँच गया था? सर, राधिका को मुझे सूरत छोड़े हुए पूरा 1 साल हो चुका। उसके बाद से मैं इलाहाबाद में रहा हूँ। बंसी को मारकर उसकी लाश को कहाँ फेंका? बोलो अरविंद चौहान, बोलो। बंसी के किस चक्कर की बात कर रहे हैं आप? इस राधिका का नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तुम्हारा भाई बंसी पिछले 1 साल से राधिका और उसके बच्चियों के साथ सूरत में रह रहा था। बिल्कुल नहीं पता साहब। 2 साल पहले बंसी काम के लिए सूरत चला गया था, तब से काजल हमारे साथ ही है साहब। हम 2 भाई हमेशा साथ रहे। बीच में 2 बार बंसी घर आया भी, लेकिन उसे एक शब्द भी किसी राधिका के बारे में नहीं बताया हमको। बंसी 10 या 11 जुलाई को पक्का यहाँ पालकीपुर आया था, राधिका और उसकी बच्चियाँ जिया और आरती के साथ। घर पर नहीं आया साहब। आप चाहे तो मेरी पत्नी संजना से पूछ लो, पड़ोसियों से पूछ लो। ना मैंने बंसी को मारा है, ना राधिका को, और ना ही अपनी बेटियों को। 1 साल से मुझे पता भी नहीं था उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, तो मुझे कैसे पता होगा कि 10 या 11 जुलाई को वो पालकीपुर आए हुए हैं? अगर पता नहीं होता तो किसी को कैसे भेजते उन चारों को मरवाने के लिए? किसको भेजा सर मैंने, किसको? 1 साल से मेरी जिंदगी अधमरी हो चुकी। उनको मारने के बाद क्या जिंदा हो जाती? और अगर सर ऐसा होता ना तो 1 साल पहले उस बंसी को मार देता। अगर तुम सूरत जाके बंसी और राधिका के पड़ोसियों से पूछोगे ना तो सब ये कहेंगे कि बंसी और राधिका पति पत्नी है। बंसी की पत्नी राधिका नहीं काजल है, जो हमारे साथ पालकीपुर में रहती है, जो गायब। काजल अपने मायके गई ही नहीं। ये मुझे या संजना को नहीं मालूम साहब, वो हमसे क्यों झूठ बोली और कहाँ गायब हो गई। तुम्हारी यहाँ पालकीपुर में अच्छी खासी खेती है और तुम कहते हो कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई के बीच में, तुम दोनों की पत्नियों के बीच में अच्छा खासा प्यार है, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो अकेला सूरत चला गया? यही बात मैंने बंसी को 1000 बार बताया था, समझाया था कि रह जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोशिश जारी रख। कोशिश किस बात की? बच्चे की। और किस बात की साहब? बच्चा। बस वही एक मसला बंसी और काजल को खाया जा रहा था। क्या बोली डॉक्टर साहिबा काजल? अरे भाई कहाँ छुपाना, बोलना बंसी। अरे भाई बोल भी दे, काहे चुप बैठा है? क्या बोली डॉक्टर साहिबा? वही बोल रहे हैं जो 4 साल से सब डॉक्टर रट लगाए हुए हैं, कोशिश करो और कोशिश करो। सब कुछ तो कर रहे हैं भैया, सब कुछ कर रहे हैं, काजल को बच्चा हो ही नहीं रहा है। जब होना होगा तब होगा, और अभी तो वक्त है हाथ में, और अच्छा वक्त जरूर आएगा, तुम देखना। अमित भैया, हमको लगता है ना कि भगवान चाहता है कि हमको जीवन में बच्चे का सुख कभी मिले ही नहीं, मधुरी जिंदगी जिए। दिल छोटा मत कर भाई, तू कर करा कर भी क्या कर सकता है, बस कोशिश ही कर सकता है ना। अब जब तेरी गलती है ही नहीं, तू ठीक भी क्या कर सकता है भाई? बंसी इतना मायूस रहने लगा कि यहाँ पालकीपुर में इसका दम घुटने लगा। साहब, हमारे चाचा का लड़का सूरत में काम करता है, उसने बंसी के लिए सूरत में नौकरी ढूंढ ली और बंसी सूरत चला गया, और वो 2 साल के लिए वहीं रह गया। तुम लोगों को जरा सा भी शक नहीं हुआ? नहीं हुआ साहब, क्योंकि बंसी हमेशा कहता था कि सूरत में उसका काम अच्छा चल रहा है और बहुत जल्द काजल को अपने साथ लेके जाएगा, इलाज भी उसका वहीं कराएगा। बंसी यहाँ पालकीपुर राधिका और उसके दोनों बच्चों के साथ आया था, ये हकीकत है, सबूत है हमारे पास। अब वो अपने गांव आता है और अपने घर नहीं जाता, तो फिर वो और कहाँ जा सकता है, या कहाँ छुप सकता है, या फिर तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर, मुझे नहीं पता राधिका और बंसी ने शादी की या नहीं की, मुझे सिर्फ इतना पता है कि राधिका और मेरे बीच में कोई कानूनी डिवोर्स नहीं हुआ था। राधिका बस चली गई थी, उसके बाद से मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा। और तुम्हारे बच्चे हैं जिया और आरती, राधिका उन्हें भी तो साथ ले गई थी, फिक्र नहीं हुई तुम्हें उनकी? याद नहीं आई कभी उनकी? क्यों याद नहीं आई सर, मैं जी रहा था उन्हीं के लिए जी रहा था, लेकिन राधिका ले गई आरती और जिया को अपने साथ। उसके बाद सूरत में मेरा रहने का कोई मकसद नहीं रहा, इसलिए इलाहाबाद वापस चला गया। ये बंसी के, ये राधिका के और ये अरविंद चौहान के फोन रिकॉर्ड्स। क्या अरविंद ने किसी पेशेवर हत्यारे को भेजा था अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को मरवाने के लिए? कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है सर। और ये काजल, ये भी गायब है। 16 जुलाई को उसका फ़ोन यहीं पालकीपुर में ही स्विच ऑफ हुआ था, और 16 जुलाई को ही राधिका और उसकी बच्चियां जिया और आरती, उनकी बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई थी। सर एक बात है, भले ही बंसी के भाई अमित और भाभी संजना को कुछ ना पता हो, लेकिन शायद बंसी की पत्नी काजल को बंसी और राधिका के अफेयर के बारे में पता चल गया। तो फिर काजल को यह भी पता होगा कि बंसी राधिका और उसकी दोनों बच्चियों को लेकर पालकीपुर आने वाला है, और अगर ऐसा हुआ है तो सवाल यह है कि काजल ने उन्हें किससे मरवाया? सर हो सकता है अरविंद को पहले से पता चल गया और उसने यहाँ पालकीपुर में ऑलरेडी किसी को रेडी रखा। सूटकेस में हमें दोनों बच्चियों के कपड़े मिले, बंसी और राधिका के नहीं। हो सकता है यहाँ आने से पहले उनका काम तमाम कर दिया गया और बंसी और राधिका के सूटकेस में कुछ ऐसा हो कि खूनी अपने साथ ले गया। लेकिन नितिन, खूनी है कहाँ? कहीं काजल तो नहीं? अब देखा जाए तो काजल का मोटिव भी अरविंद से कम नहीं है। अगर अरविंद का घर उजड़ा है तो काजल का भी उजड़ा, और दूसरी तरफ काजल का गुस्सा और दर्द समझो, काजल मां नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से उसका पति उसे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया। फिर शायद खुद बंसी ने राधिका और बच्चों को मार डाला। पॉसिबल है, पर सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि चारों बिना किसी को कुछ भी बताए सूरत से पालकीपुर कैसे आए, और यहाँ पालकीपुर में इनके आने की किसी को कोई भनक तक नहीं, और 3-3 मर्डर हो जाते। नितिन, लॉजिक कुछ बैठ नहीं रहा। और ये बंसी पता नहीं कहाँ है, अब या तो ये खुद मारा गया या फिर ये तीनों मर्डर करके फरार हो गया। अरविंद चौहान को 2 दिन के लिए इंटरोगेट किया गया, पर उसका जुर्म में शामिल होने का कोई भी सबूत हमारे सामने नहीं आया। बंसी के बड़े भाई अमित पर कड़ी निगरानी रखी गई, ये पता लगाने के लिए कि कहीं वो बंसी को छुपा तो नहीं रहा था, कहीं उसे इस सारे कांड के बारे में पता तो नहीं था। रतनपुर में बंसी की गाय पत्नी काजल के घर को भी हमने अपने रडार में शामिल की। मतलब कोई रतनपुर का रिश्तेदार हो यहाँ काजल का, या कोई पुराना आशिक? नाना साहब, आशिक तो हो ही नहीं सकता। इस बात को भी टटोला गया कि काजल का पालकीपुर गांव में किसी के साथ कोई संबंध तो नहीं था जिसने काजल के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आखिरकार इस रहस्य का खुलासा हो ही गया कि पालकीपुर में आने के बाद बंसी, राधिका और उसकी दो बेटियां कहाँ रुके। साहब, काफी अंदर तक उसके पूछताछ करने पर पता चला है कि ये जो मकान है इसे बंसी लालचंद ने 8 महीने पहले 4 लाख रुपए में खरीदा था। ये 8 लाख रुपए बंसी लालचंद ने अपने भाई अमित से लिए। खेती कैसा है कुछ और? साहब, बंसी का भाई अमित तो मना कर रहा है, लेकिन हमने उसे बैंक की पासबुक लाने को बोला। मर्डर वेपन लगता है। फोरेंसिक को बुलाओ। सर, बंसी के नए घर से मिले ब्लड सैंपल्स राधिका, आरती और जिया के ब्लड सैंपल से मैच कर गए। बंसी के ब्लड सैंपल्स नहीं मिले घर से। बंसी और उसकी वाइफ काजल के फोन्स सर्वेलेंस पे डाल दिए। यूपी के हर थाने में उनके नाम का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। खबरी नेटवर्क भी ओवरटाइम काम कर रहा है। बीच बीच में काजल का फोन स्विच ऑन होता, लोकेशंस ट्रैक होते रहे। पहले ऋषिकेश उत्तराखंड में, फिर हरिद्वार। कुछ दिन बाद फोन दोबारा से स्विच ऑन हुआ और इस बार उज्जैन में। सर, काजल का फोन कल गुजरात के द्वारका सिटी में स्विच ऑन हुआ। वहां पर एक टीम ऑन द जॉब है, पर अभी तक काजल या बंसी किसी को भी ट्रेस नहीं कर पाए। स्विच ऑन होने के बाद फोन किसे किया गया? किसी को भी नहीं सर, यही तो हैरत की बात है। इनफैक्ट ऋषिकेश में इस इंस्ट्रूमेंट में दूसरा सिम कार्ड भी डाला गया। हमने सिम सेलर को ट्रैक भी किया, लेकिन उसके आगे डेड एंड। नितिन, कहीं ऐसा तो नहीं वो इंस्ट्रूमेंट अब काजल के पास है ही नहीं? काजल ने वो इंस्ट्रूमेंट कहीं डंप कर दिया हो और वो इंस्ट्रूमेंट अब कोई दूसरा या तीसरा इस्तेमाल कर रहा हो, और हम काजल की जगह इस दूसरे या तीसरे को ट्रैक कर रहे हैं। पर सर, इन सब में मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। तुक्का है पर बोल रहा हूँ। जिन 4 जगहों पर यह फोन स्विच ऑन हुआ वो 4 जगह तीर्थ स्थल है। ऋषिकेश, हरिद्वार, उज्जैन और अब द्वारका। कहीं है काजल पश्चाताप की आग में तो नहीं चल रही, या फिर काजल और बंसी दोनों पॉसिबल है सर। तो फिर अगला धाम कौन सा होगा? द्वारका के बाद अब आप दोनों कहाँ जाएंगे? हमारा गैस वर्क काम कर गया। हमने एक टीम को वाराणसी में तैनात कर दिया। बंसी और काजल को हमने उस वक्त दर्दबोचा जब वो गंगा आरती में शामिल होने जा रहे थे। मिल गई माफी ऊपर वाले से? पता नहीं वो माफी देंगे या नहीं, पर पछतावा बहुत है साहब। अगर छुरी चलाते वक्त जरा सोच लिया होता तो आज पछताना नहीं पड़ता। तब दिमाग सुन पड़ गया था साहब। पहले फंसा दिया, उसके बाद झांसा दिया, फिर गले काटे, वो भी 3-3। हर बार दिमाग सुन हो जाता था तेरा। साहब, हमने किसी को झांसा नहीं दिया, ना ही किसी को फंसाया है। राधिका और हमारे बीच में जो था वो 2 तरफा था। राधिका को हमें जो दिखा वो अरविंद में नहीं था, और हमको जो राधिका में दिखा वो हमारी जिंदगी में नहीं था। पता है, अरविंद ना इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी है। इतनी सुंदर लगती हूँ मैं तुम्हें बंसी। सच बताएं, अगर तुम जिया और आरती की माँ ना होती ना, तो शायद हमें इतनी पसंद ना होती। तुम्हारी बेटियां तुमको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। सच बता रहे, जिया और आरती ना हमको इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। मुझे दिखता है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे बर्ताव में। अगर हम पहले मिले होते ना, तो जिया और आरती के पापा हम होते, ये सोच के कभी कभी हमारा दिल भर आता है, कभी कभी आंखें भी भर आती हैं। बंसी पहले नहीं मिली तो क्या हुआ, अब तो मिले है ना। इसलिए तो ऊपर वाले ने तुम्हें वहां पालकीपुर से यहाँ सूरत भेजा, अरविंद से मिलाया ताकि तुम मुझे मिलो। और घर भी देखो, तुम्हारे घर के सामने ही दिलवा दिया। अब आगे आगे पता नहीं कितना मिलाना बाकी है, कहाँ तक जाना बाकी है। तो यहाँ तक आना बाकी था। बंसी, जब प्यार इतना शिद्दत वाला था तो फिर ये बेरहमी कहाँ से पैदा होगी। और पालकीपुर वाले अपने नए घर में लाकर राधिका और उसकी दोनों बच्चियों को क्यों मार डाला? नया घर क्यों लिया था? उसे लेने के लिए 4 लाख रुपए कहाँ से आए? बोल, पैसे कहाँ से आए? पैसे दरअसल राधिका के थे, उसने अरविंद से लिए थे। अरविंद के पैसे जो उसने अपना खून जला जलाकर कमाए थे, अपनी दोनों बच्चियों जिया और आरती की परवरिश के लिए। मारा क्या साहब? क्योंकि हम खुद मर रहे थे, रोज मर रहे थे। बंसी, मैंने आपका फोन देखा, किसी राधिका ने मैसेज भेजा था, मैंने पढ़ा। आप छोड़ रहे हो मुझे? काजल, तुम हमको बच्चा दे पाती ना तो कभी नहीं छोड़ते, कभी खींचे नहीं जाते राधिका के पास। मेरी अच्छी है, मैं ध्यान से देखो, देखो कितनी अच्छी है मेरी। बंसी, वो कल जिया की स्कूल बैग दी थी मोची के पास, तुम ले आए? राधिका, वो तो भूल गया हूँ। अरे तुम कल भी भूले थे? जब तक हम पड़ोस में रहते थे राधिका के, अरे तुम कल ले आएंगे, तब तक सब कुछ बड़ा सुनहरा लगता था। लेकिन एक बार साथ में रहने लगे तो जिम्मेदारी पहले सुई की तरह चुभने लगी और फिर खंजर की तरह। बंसी, हम शादी कब कर रहे हैं? ऊपर से राधिका का शादी के लिए दबाव कम होने का नाम ही नहीं लेता, हमेशा बना रहता। नहीं मतलब साफ साफ कहो ना बंसी, अब दिल भर गया है तुम्हारा मुझसे। दबाव से बात बढ़कर धमकी में बदल गई थी। बात बात पर राधिका धमकाती थी कि हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। हम थक चुके थे साहब, हमें बच्चे चाहिए थे, लेकिन अब उन बच्चों की जिम्मेदारी हमें बोझ लगने लगी थी, हम उठा नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्यों जिंदगी में जो भी सपने देखे थे सब पूरे हुए, लेकिन फिर भी अब हम उनसे भागना चाहते थे। सीधा बोलो काजल, मेरा साथ दोगी या नहीं? हमारा साथ तो 7 जन्म का है बंसी, लेकिन ये मारने वारने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास आने का मेरे पास यही एक रास्ता है। सीधा बोलो, मेरा साथ दोगी या नहीं? बड़ी आसानी से साथ दे दिया काजल जी। ऐसा आपको लगता है साहब जी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी आसान कभी नहीं था। मैं बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी और माँ बनने का सुख जानती थी मुझे नहीं मिलने वाला है। लेकिन मेरा पति मुझे ठुकराने के बाद मेरे पास वापस आना चाह रहा था। मेरी टूटी फूटी इज्जत का सवाल था साहब। अपनी टूटी फूटी इज्जत को बचाने के लिए 3-3 कत्ल करवा दिए, इतना संगीन जुर्म। हम राधिका को पालकीपुर लेकर आए उसकी बच्चियों के साथ, और ये कहकर लाए थे अमित भैया और संजना भाभी के सामने शादी होगी हमारी। पालकीपुर में काजल ने पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी। राधिका ने काजल को कभी नहीं देखा था। हमने राधिका को कहा कि काजल हमारी भाभी है और भैया अगले दिन आएंगे। हमने पहले राधिका को मारा ये सोचकर कि बच्चों को ठिकाने लगाना आसान होगा। फिर रात के अंधेरे में हमने लाशों को अलग अलग ठिकाने पर छोड़ दिया। और वो सूटकेस? वो कब छोड़ा? अगले दिन सुबह गांव छोड़ के भागते वक्त। राधिका के कपड़े और बैग कहाँ हैं? वो रतनपुर के रास्ते में एक नाला पड़ता है, उसी में फेंक दिए। चल बता कहाँ है वो नाला? यहाँ तूने बैग फेंका, फिर कानून तय करेगा तो कौन सी सजा की, कौन से नाले में सड़ेगा और कब तक सड़ेगा। घास हमेशा सामने वाले के आंगन में ज्यादा हरी लगती है। ये एक मिथ्या है, एक भ्रम है। बंसी की फैंटेसी थी कि वो एक बाप का रोल अदा करे, पर असलियत में वो ये भार नहीं उठा सका और कुचली गई एक औरत और उसकी 2 बच्चियों की जिंदगी। राधिका इस भ्रम में थी कि उसका प्रेमी उसके बच्चों के लिए बेहतर बाप साबित हो, वो उन्हें समय दे पाएगा जो उसका पति नहीं दे पाता था। माँ ना बन पाने और पति के ठुकराए जाने से घायल काजल भी एक भ्रम में थी। उसे लगा कि कत्ल जैसे संगीन जुर्म में साथ देकर उसे उसका पति और गरिमा वापस मिल जाएगी। इस पूरे केस में सिर्फ अरविंद ही एक ऐसा था जो अपने आंगन में अपने हिस्से की घास संभाल रहा था, जिसे पूरी तरह से रौंद दिया गया। जो चीज हमारी जिंदगी में नहीं है और जो शायद कभी नहीं हो सकती, उसका लालच होना, उसकी कल्पना करना, ये इंसान की फितरत में है। पर जब उस कल्पना को, उस फैंटेसी को असलियत में पूरा करने का बेलगाम जुनून सवार हो जाए, तब कोई नहीं बता सकता कि किस मोड़ पर वो जुनून एक अभिशाप बनकर कितनी बर्बादी मचा सकता है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।